तो ब्रेन ग्रोथ एंड प्रेफर्ड ओरिएंटेशन क्या है, इसको मैं समझता हूँ कि ब्रेन ग्रोथ क्या में क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यू क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। ब्रेन ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ न्यू क्रिस्टल्स एट द टेम्परेचर अबाउट 0.5 Tm। ब्रेन ग्रोथ हमारा क्या है, ब्रेन ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि न्यू क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होते हैं एट द टेम्परेचर अबाउट 0.5 Tm। और ऑरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स इन अ पर्टिकुलर डिजायर्ड डायरेक्शंस टू अचीव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्रेफर्ड ऑरिएंटेशंस। ग्रेन ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू क्रिस्टल्स एट टेम्परेचर्स अबाउट 0.5 Tm। ऑरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स इन अ पर्टिकुलर डिजायर्ड डायरेक्शंस टू अचीव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्रेफर्ड ऑरिएंटेशन ड्यूरिंग द ग्रेन ग्रोथ। यहाँ पे हम देखते हैं अगर, तो दिस इज अ बेसिक डायग्राम, थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई देगा, चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू द कोल्ड वर्किंग रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू द कोल्ड वर्किंग रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो नीचे साइड आपको यहाँ पे दिखेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने जो बात करी, क्या बात करी, यहाँ ये बात करी कि ग्रोविंग अ न्यू क्रिस्टल एट टेम्परेचर अबाउट 0.5 Tm और ओरिएंटेशन ऑफ अ ग्रेन इन पर्टिकुलर डिजायर्ड डायरेक्शन टू अचीव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रेफर्ड ओरिएंटेशन। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन हमारा क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स का इन पर्टिकुलर डिजायर्ड डायरेक्शन में टू अचीव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ड्यू टू ग्रेन ग्रोथ। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर देखोगे परसेंटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग रिकवरी टू रिक्रिस्टलाइजेशन एंड द ग्रेन ग्रोथ। परसेंटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। और यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा इसको आप जूम करेंगे और, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इसका जो ग्रेन ग्रोथ का परसेंट, यहाँ देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस वाज द रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको फॉर्मेशन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है और ग्रेन ग्रोथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो साइजेस है यहाँ चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की लेवल समझाया गया 0.1 मीन टेम्परेचर, 0.3 से 0.5, 0.5 से 0.7, तो यहाँ पे आपका चेंजेस हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप ऊपर की ओर दिखाई देगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरनल स्ट्रेसेस टाइम, यहाँ पे आपको हार्डनेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ दिख रहा है, दिस वन इज द डक्टिलिटी लाइन एंड दिस वन इज द ग्रेन ग्रोथ, यहाँ दिस वन इज द ग्रेन साइज। तो इस डायग्राम में आपको क्या कर रहा है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू कोल्ड वर्किंग रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब कब, ड्यू टू कोल्ड वर्किंग कंडीशन में, रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन कंडीशन में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर हार्डनेस जो है वो नीचे की ओर आ रही है, यहाँ पर इस तरह से ग्रेन साइज इंटरनल स्ट्रेस के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आप दे सकते हैं। तो दिस वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स माइक्रो सेक्शंस, यहाँ पर डायग्राम देखा आपने, परसेंटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि ग्रेन ग्रोथ एक्चुअली क्या है, ग्रेन ग्रोथ हमारी प्रोसेस है जिसमें कि ग्रोइंग हो रहा है न्यू क्रिस्टल एट द टेम्परेचर अबाउट 0.5 Tm और ऑरिएंटेशन ऑफ ग्रेन जो है इन पर्टिकुलर डिजायर्ड डायरेक्शन का वो अचीव हो जाता है सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इस पर प्रेफर्ड ओरिएंटेशन। तो इसमें जो कंडीशन है यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है कि ड्यूरिंग द ग्रेन ग्रोथ द क्या क्या कंडीशन, पहले फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि जो स्मॉल ग्रेन्स हैं वो एसिमिलेट एंड रिजल्ट इन लार्जर ग्रेन्स, स्मॉलर ग्रेन्स एसिमिलेट एंड रिजल्ट इन द लार्जर ग्रेन्स। सेकेंड कह रहा है कि जो टेम्परेचर एंड हीटिंग है ड्यूरेशन है, कंट्रोल द साइज ऑफ ग्रेन्स, टेम्परेचर एंड हीटिंग ड्यूरेशन कंट्रोल द साइज ऑफ ग्रेन्स। थर्ड साइज ऑफ ग्रेन्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑन द डिग्री ऑफ कोल्ड वर्किंग, साइज ऑफ ग्रेन्स डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ कोल्ड वर्किंग। एंड द फोर्थ इज द ग्रेन साइज विल बी लार्जर देन लार्जर विद द हायर एनिलिंग टेम्परेचर। ग्रेन्स का जो ग्रेन्स ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं जिनमें की हम बात करें, यहाँ पर पहले ये बात कर रहे हैं कि जो स्मॉलर ग्रेन्स होंगे वो एसिमिलेट होंगे और रिजल्ट देंगे क्या इन लार्जर ग्रेन्स में। सेकंड जो टेम्परेचर और हीटिंग ड्यूरेशन होता है कंट्रोल द साइज ऑफ ग्रेन्स,
साइज ऑफ ग्रेन जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे डिग्री ऑफ कोल्ड वर्किंग पर, और चौथा कह रहा है कि जो ग्रेन साइज है वो विल बी लार्जर होगा विद हायर एनिलिंग टेम्परेचर पर। तो हमने यहाँ पे जो डायग्राम भी यहाँ पे देखा कि माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो जो माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस है वो इज अ चेंज एंड माइक्रोस्ट्रक्चर इज द चेंजेस एंड द चेंज इन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल ड्यूरिंग द ग्रेन ग्रोथ। या सिंपलिसिटी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेन की जो साइजेस है, ग्रेन ग्रोथ अगर हो रहा है, ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में डेफिनेटली क्या होंगे, तो चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि जो ओरिएंटेशन होता है ग्रोथ की उसका, वो जनरली क्या होता है, रैंडम होता है। और जो क्रिस्टल का डिफॉर्म हो रहा है ना, क्रिस्टल डिफॉर्म वियर्डली अलोंग ए स्पेसिफिक क्रिस्टल प्लेन्स, देयरफॉर दे कैन बी ओरिएंटेड इन प्रेफर्ड डायरेक्शन बाय मैकेनिकल वर्किंग, द ग्रेन्स दस अलाइन, सो क्रिएटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ अलाइन या प्रेफर्ड ओरिएंटेशन। और जो बल्क सॉलिड कन्वर्ट्स टू द फॉर्म ऑफ वायर एंड फाइबर ड्यू टू द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन। हमने देखा होगा फाइबर और वायर जो होता है किस तरह से फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन के थ्रू। बल्क सॉलिड्स कन्वर्ट टू द फॉर्म ऑफ वायर एंड फाइबर ड्यू टू प्रेफर्ड डायरेक्शनल ओरिएंटेशन कॉज बाय द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको क्लियर ही है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे होता है, हेयर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज इन इट्स वायर एंड फाइबर फॉर्म इज हायर देन इट्स बल्क फॉर्म। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बाय माइल्ड स्टील इन बल्क फॉर्म इज नॉट कम मोर देन 6,000 kgf/cm², बट इन वायर एंड फाइबर फॉर्म इट इज अबाउट 10,000 kgf/cm² एंड अबाउट 30,000 kgf/cm² रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि जो रैंडम एंड परफेक्ट ऑरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स का आर शोन फिगर ए टू सी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे दिस वन इज द दिस वन इज द फर्स्ट फिगर ए, दिस वन इज द बी एंड दिस वन इज द सी। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं दिस इज द रैंडम एंड बी एंड सी इज द प्रेफर्ड, यानी यहाँ पे आप क्या रैंडम दे सकते हैं यहाँ पर, और बी एंड सी में आप देखते हैं प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, यहाँ पर जिससे आप देखते हैं इसमें तो परफेक्ट ओरिएंटेशनल डायरेक्शन। तो ये बैठे कह रहा है कि द ओरिएंटेशंस ऑफ लॉन्ग चैन पॉलीमर इनटू अ फाइबर इज एनालॉजियस टू प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स इन मेटल्स, द स्ट्रेंथ एडेड ड्यू टू द प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस हेल्प्स इन रेजिस्टिंग फर्दर डिफॉर्मेशंस। तो रैंडम का डायग्राम इस तरह बना सकते हैं और प्रेफर्ड का डायग्राम इस तरह बना सकते हैं। सो द रैंडम ग्रेन ओरिएंटेशन।